हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज शिमला कोरोना की रानी बन चुकी है। ये बात सोमवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कही। राठौर ने कहा कि लॉकडाउन के समय मुख्यमंत्री ने हिमाचल को कोरोना डेस्टिनेशन बनाने की बात कही थी, आज वो सच होती प्रतीत हो रही है। आज सरकार और प्रशासन कोरोना से निपटने में असफल हैं, इसलिए हाईकोर्ट को दिशा निर्देश देने पड़े हैं। ऐसे में अपनी नाकामी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश के सभी अस्पतालों का दौरा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए प्रदेश के अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए उपकरण दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि पूरा ध्यान इस महामारी से निपटने में लगाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। प्रदेश में दो तरह के नियम चल रहे हैं, एक बीजेपी के लिए और दूसरे आम जनता के लिए। कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार को अगर प्रदेश की जनता को इस बीमारी से बचाना है तो नियमों को सख्ती से लागू करवाना चाहिए। भारत बंद पर राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। हिमाचल में कांग्रेस ने किसानों के पक्ष में कई रैलियां और कार्यक्रम किए। कांग्रेस पार्टी ने कल के बंद के लिए सभी वर्गों से सहयोग की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश हो रही है। राठौर ने कहा कि कल किसान आंदोलन के समर्थन में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। कल भारत बंद, कांग्रेस पार्टी इस बंद का समर्थन कर रही है। आज देश के किसान सड़कों पे, दिल्ली की घेराबंदी हो चुकी है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी, वो स्वयं उन्होंने पंजाब और हरियाणा जाकर किसानों को अपना समर्थन दिया और हिमाचल प्रदेश में, और कल का जो बंद है वो किसानों के संगठन, जो संगठन है उन्होंने कॉल दी है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है। मेरा सभी वर्गों से आग्रह, जो व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, इस बंद में अपना सहयोग दें। जयराम जी का जो नारा था, शिखर पे हिमाचल, शिमला जो पहाड़ों की रानी है, आज शिमला कोरोना की रानी बन चुकी है। बाकी चाहे तरक्की की बात हो या कोई प्रदेश को आगे ले जाने की बात हो, वहाँ तो सरकार सिद्ध नहीं कर सकी, लेकिन कोरोना के मामले में सरकार ने चरितार्थ कर दिया कि हिमाचल प्रदेश नंबर वन पे। आज हालात इस बात कदर चिंताजनक है कि सरकार का पूरा प्रशासन पंगु बन के रह गया है। आज सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, सरकार को दिशा निर्देश देने पड़ रहे कि इन निर्देशों और सुझावों के बाद ये साबित हो गया है कि सरकार ने निश्चित तौर पर लापरवाही बरती है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए, हालांकि उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश की जनता को एक संदेश दें। अगर वो खुद नहीं तो कम से कम स्वास्थ्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें।